दिल्ली में श्री पीठम द्वारा 108 कुंडीय महालक्ष्मी यज्ञ का आयोजन किया गया। यह आयोजन दिल्ली डीडीए ग्राउंड शारदा निकेतन चौक पीतमपुरा में किया गया। इस आयोजन में मुख्य सहयोगी की भूमिका मंदिर पुनरुत्थान अभियान ईबीजी दिल्ली कैपिटल 7 ग्राउंड की थी। यह आयोजन 21 अगस्त से 27 अगस्त तक किया गया। इस महालक्ष्मी यज्ञ में कई विशिष्ट महर्षि शामिल हुए। यह महायज्ञ यज्ञाधीश ब्रह्मचारी महेश्वरी जी और महापंडित चंद्रमणि मिश्र के आचार्यत्व में संपन्न हुआ। महालक्ष्मी यज्ञ का महत्व महालक्ष्मी के पुत्र सुपुत्र सब जानते हैं। महालक्ष्मी की कृपा के बगैर हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, न यज्ञ कर सकते हैं, न वस्त्र हो पाता है। महालक्ष्मी माँ है और लक्ष्मी माता के दूध रूपी धन जिससे हमें समाज में सम्मान मिलता है, हमारे खान पान का वैभव प्राप्त होता है, जीवन में लग्जरी प्राप्त होती है, ये महालक्ष्मी की कृपा से ही संभव। 108 कुंडीय महालक्ष्मी यज्ञ आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरिजी महाराज यज्ञ में शामिल होकर इसके विशेषता को बताया। कैलाशानंद गिरिजी महाराज ने कहा कि धर्म सर्वोपरि है, धर्म के ऊपर कोई नहीं है, यज्ञ ही धर्म है। स्वामी कैलाशानंद गिरिजी महाराज ने कहा कि इस यज्ञ से इस क्षेत्र में एक सुखद माहौल का वातावरण बना हुआ है। पहली बार हो रहे श्री विद्या महालक्ष्मी महायज्ञ का अभिनव अनुष्ठान सबके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। भैया स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय, हे पार्थ, तुम्हारे अपने धर्म में यदि तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता है, किसी चीज की प्राप्ति नहीं हो पाती है और अंततः तुम्हारी मृत्यु हो जाती है, तब भी तुम श्रेयस्कर हो, यशस्वी हो, तब भी तुम प्रतिष्ठा के योग्य हो, सम्मान के योग्य हो। लेकिन दूसरे धर्म में जाने के बाद यदि तुम्हें सब कुछ मिल जाए तो वो स्थायी नहीं है, आप उसको कभी स्थायी न समझना। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, स्वधर्म में तुम्हारा निधन भी हो जाए तब भी तुम श्रेयस्कर हो, बधाई वंदन के पात्र हो। दूसरे धर्म में तुम्हें सब कुछ मिल जाए तब भी तुम भययुक्त हो, भयमुक्त नहीं रहोगे। 108 कुंडीय महालक्ष्मी यज्ञ में सभी कुंडों पर यजमान श्रद्धापूर्वक आहुति दिया। इस आहुति और मंत्रोच्चारण से वातावरण काफी सुखद हो गया। इस महायज्ञ में सैकड़ों विद्वजन पंडितों ने भाग लिया, जिन्होंने यज्ञ कुंड में यजमानों को आहुति दिलवाई। पूरा वातावरण वैदिक मंत्रोच्चारण से गुंजायन हो गया। इस महायज्ञ में कालिदास महाराज ने विशेष रूप से आकर सबको यज्ञों की महत्ता को बताया। आज बड़ा ही हर्ष और सौभाग्य का विषय है, इस महालक्ष्मी महायज्ञ के इस पावन प्रांगण में भारत के श्रेष्ठ महापुरुष, भारत के श्रेष्ठ विद्वान और भारत के श्रेष्ठ मनीषी विद्यमान हैं। जहाँ श्रेष्ठ यजमान, श्रेष्ठ भक्तजन, श्रेष्ठ यागिक कर्मकांडी, या वो ब्राह्मण हो यागिक यजमान हो, दोनों वंदनीय है। क्योंकि जो श्रेष्ठ आचार्य है वो निसंदेह वंदनीय है और जो श्रेष्ठ यजमान है वो भी निसंदेह वंदनीय है। तो आज बड़ा ही हर्ष और सौभाग्य का विषय है, इस महान यज्ञ के पावन प्रांगण के इस मंच पर विराजमान हमारे जूना अखाड़े की महामंडलेश्वर परम पूज्या शिवांगी नंद गिरी जी, जो जूना अखाड़े से हैं, और हमारे पूज्य स्वामी जी कालिदास जी महाराज हमारे इस यज्ञ के
अध्यक्ष और जिनके नेतृत्व में, जिनके तत्वाधान में, जिनके देखरेख में यह यज्ञ अति शास्त्रीय परंपराओं के अनुसार संपन्न हो रहा है। 108 कुंडीय महालक्ष्मी यज्ञ में हैदराबाद से भाग्य लक्ष्मी मंदिर के चेयरमैन शशिकला दीदी जी, परम पूज्य गुरु अरविंद जी महाराज, श्री पंचदश नामा जूना अखाड़ा की महामंडलेश्वर देवी माँ शिवांगी नंद गिरिजी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इन्होंने जजमानों को आशीर्वाद दिया। मंदिर पुनरुत्थान न्यास की का बहुत बड़ा सहयोग, मुख्य सहयोगी के रूप में हमारे साथ हैं और श्री सुनील कंफल जी, संजीव गर्ग जी, इस मंदिर पुनरुत्थान न्यास के प्रधान जी महामंत्री के रूप में पूरी सहायता प्रदान कर रहे हैं। साथ में श्री पीठम न्यास के जो पदाधिकारीगण हैं उनका सक्रिय सहयोग, धर्मपाल सिंगला जी मुख्य अतिथि के रूप में, जगमोहन गर्ग जी मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य यजमान के रूप में ये सब अपनी आहुतियाँ प्रदान कर रहे हैं। समाज के तमाम सम्मानित सत्कर्मी पुण्यात्मा इस महायज्ञ से जुड़े हुए हैं। कई खासतौर से कई अखाड़े के यहाँ पर आए हुए हैं पुण्यात्मा सब, उनके बारे में जानना चाहिए। अखाड़ों के महात्मा, संतों का दर्शन, संतों का आशीर्वाद मिलना ही चाहिए और जहाँ यज्ञ होता है, नारायण का यजन होता है, महालक्ष्मी की कृपा होती है, वहाँ पर संतों का दर्शन इस कृपा को कई गुना बढ़ा देती है। दूसरी बात, यहाँ पर सुबह के सत्र में यज्ञ होता है, यजमान आते हैं और शाम को 100,000 आहुतियाँ पड़ती हैं आचार्यों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, और शाम को 6:30 बजे महालक्ष्मी की महाआरती होती है। मैं आह्वान करता हूँ आप सभी लोग आए इस प्रांगण में, ये शारदा निकेतन चौक पीतमपुरा में हो रहा है, आइए यज्ञ में भाग लीजिए, परिक्रमा कीजिए और महाआरती में भाग लेकर अपने जीवन के अलभ्य को प्राप्त कीजिए। 108 कुंडीय महालक्ष्मी यज्ञ में मुख्य यजमान के रूप में तेज राम धर्मपाल सिंगल के साथ संजीव गर्ग, सुनील कंसल, मुकेश भारद्वाज, नरेश गोयल कोको फोम, घनश्याम गुप्ता जावेरी, त्रिलोकीनाथ गोयल, जगमोहन गर्ग, संजय सीताराम, संजय सिंगला, अनिल सिंगल, विनोद मंगला, नरेश एरन, सुभाष गुप्ता सहित सम्मानित पुण्यात्मा यजमान ने आहुति दी, जिनका सक्रिय योगदान भी इस महायज्ञ में रहा। इस महायज्ञ में राष्ट्रीय विद्युत परिषद ने घनश्याम गुप्ता जावेरी के उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए दिल्ली के 8वें अजूबे खाटू श्याम दिल्ली धाम की स्थापना में उनके निरंतर प्रयास की प्रशंसा करते हुए राजऋषि की उपाधि देने की घोषणा की गई। 108 कुंडीय महालक्ष्मी यज्ञ जगत कल्याण की मनोकामना के साथ संपन्न हुई। दिल्ली से मानवेंद्र की रिपोर्ट। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है यज्ञ सर्व कल्याणकारी है, लेकिन एक वाक्य और है शास्त्र का, नपि यज्ञ समो रिपु। यज्ञ से बड़ा कोई मित्र नहीं है और यज्ञ से बड़ा कोई शत्रु भी नहीं है। अगर विधि पूर्वक करेंगे तो कल्याणकारी होगा, विधिविहीन होगा तो विनाशकारी होगा। लेकिन हमारे धर्म संघ के आचार्य हैं, आचार्य रामगोपाल जी शुक्ल हैं और आचार्य जो है वो अपने चंद्रमणि मिश्र जी हैं और उनके संतों की सानिध्य में हो रहा है, महेश आनंद जी उनके साथ में हैं, तो बड़ा व्यवस्थित और जो यज्ञ के आचार्य हैं वो राजस्थान के हैं, बड़े विद्वान आचार्य हैं, बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, 108 महायज्ञ हो रहा है यहाँ पर, तो इसका क्या मतलब है 108 या एक? देखिए, हमारे यहाँ संसार में हमारे यहाँ संख्या का बड़ा महत्व है। ये सारा संसार एक है, शून्य है, लेकिन इस शून्य में जब संख्या शामिल हो जाती है तो हमारी जो है कामनाओं की पूर्ति करती है, इसलिए संख्याओं का महत्व है। हमारे यहाँ माला के जो मनके हैं वो 108 हैं और आप देखिए कि संसार में जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं और ब्रह्म की बात करते हैं तो इस सारे संसार में अष्ट सिद्धि नवनिधि जो हैं वो एक ब्रह्म की परिक्रमा करती हैं। तो इसी प्रकार से अष्ट महालक्ष्मियाँ हैं, ये भी सब प्राप्ति तो ब्रह्म के लिए ही है, व्यक्ति सब कामनाओं की पूर्ति के पश्चात भी ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। तो ये जो शून्य है यही ब्रह्म है और इसी ब्रह्म की प्राप्ति के लिए हम सब प्रयासरत हैं, इसलिए संख्या का अत्यंत महत्व है। शून्य के साथ संख्या नहीं होगी तो एक इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, खरब, 10 खरब, शंख, पद्म, नील, महापद्म, हमारे यहाँ तो इस प्रकार से संख्या की कालगणना है। हम जो है वो इस प्रकार से नहीं गिनते कि कितने मिलियन हैं और कितने ट्रिलियन हैं और कितने ट्रिलियन हैं। हमारे यहाँ संख्या बोलने से भी पुण्य प्राप्त होता है, इसलिए ये कल्याणकारी हैं और निश्चित रूप से क्षेत्र में समृद्धि आए
दिल्ली जैसे राज्य में मुझे लगता है कि इस यज्ञ का विशेष प्रभाव है। दिल्ली में जो राज्य चल रहा है, शराब वराब की दुकानें बंद हो गई, ये बहुत बड़ी बात है। यज्ञ जो पुण्य कार्य होता है तो पाप स्वतः ही घट जाता है, तो ये हमारे यहाँ यज्ञ का महत्व है शास्त्रों में। और जो आचार्य लोग हैं बड़े विद्वान हैं, बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।